नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। दोस्तों बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस कुछ दिनों से रेगुलर नहीं चल पा रहा है, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि आप सभी लोग का जो प्रैक्टिस है अब वो रेगुलर चले। तो इसके पहले का मैंने 100 प्रश्न आप सभी लोग को इस सेट का करवा दिया, यानी गांधी से आपका पार्ट वन वीडियो अपलोड हो चुका है। तो ये पार्ट टू का है, अगर आप सभी लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसको जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पड़ा होगा लूसेंट का, तो उसमें आप जरूर देखिएगा। और बात करेंगे यहाँ पर हम कि आपका रुक्मिणी प्रकाशन वैल्यूम टू जो आपका बिहार दरोगा मेंस का बुक आया है, अगर आपके तरफ मतलब मिल रहा है दुकान पे तो आप ले लीजिए, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पे करीबन देखा जाए तो 39 रुपये रखा गया है। तो आपको समझ में आए तो डाउनलोड कीजिए, या फिर आप अपने दुकान के तरफ से अगर मिलता है लॉकडाउन में तो आप खरीद सकते हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ में क्वालिटी जो है बहुत ही बेहतर मिलेगा, आपको हर एक प्रश्न और हर एक शब्द आपको देखने को सही मिलेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आपको जो समझ में आए आप वो कीजिए। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, बाय द वे इंटरनेट की वजह से नहीं डाउनलोड होता है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए पेमेंट करते समय, यानी जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसको उसी समय स्क्रीनशॉट ले लीजिए 87 54 65 और 33, इस पर आप स्क्रीनशॉट पेमेंट करिए, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा, ठीक है। कोई इशू नहीं होगा, आपको आराम से पीडीएफ आपके पास मिल जाएगा। तो चलिए आज हम अपना जो आगे का क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक और वीडियो आएगा, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का यानी आधुनिक भारत आपका चैप्टर ख़त्म, फिर आपका आगे चैप्टर शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे सभी लोग, चलिएगा बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 101 से देखते हैं, यानी 100 क्वेश्चन आपका अपलोड हो चुका है। कहता है कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है, आंसर करिएगा। सभी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है इसमें, तो देखते हैं आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो देखा जाए आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1939 में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 6 थी, याद है 6, ठीक है। अगला प्रश्न है 104, कहता है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्यों के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आंसर हो जाएगा आपका चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में कौन हुआ था, चलिए आंसर करिएगा। इम्पॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, ये तो सभी को पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो आपका देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खाद्य एवं कृषि, याद तो होगा ही सभी को। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की, तो कौन सी दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखिएगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, कहता है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, कोशिश है कल आपका लूसेंट जो ब्लू वाला है जो मैंने आप सभी से बोला था कि 1 से 5 तक पढ़ के आइएगा, आपका कल सेट उम्मीद है आएगा जरूर, कोशिश में लगे हुए हैं, अगर समय मिलता है तो मैं आपको ज़रूर अपलोड करूँगा, अगर एक बार अपलोड हो गया तो फिर डेली आना शुरू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चीटगांव शास्त्रगार धाबे को आयोजित किया था, तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका हो जाएगा सूर्यसेन, याद रखिएगा सूर्यसेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किसके बाद, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद, यानी उसकी कमेटी बैठाई गई थी जांच के लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के विभाजन का
बाल्कन प्लान उपज था किसका, यानी किस मस्तिष्क था। तो अगर बात करें 111 का तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का था, याद रखिएगा। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था। तो आंसर करिएगा सभी लोग, तो आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 113, किसने कहा था मेरिट पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर एक किल सिद्ध होगी। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा 113 का ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भगत सिंह ने गोली चलाई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यानी किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसमें फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो वो कौन सा एक्ट था, तो बात करेंगे एक्ट के बारे में, तो आंसर हो जाएगा आपका डेरेलिक्ट एक्ट, याद रखिएगा। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी, तो राइट आंसर हो जाएगा 115 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, द वर्नाकुलर, ये तो नहीं था, ये है वीपी मेनन हो जाएगा, ठीक है, वीपी मेनन। अगला क्वेश्चन है कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो अगर आपको क्वालिटी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि इससे बड़ा आपका क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा क्योंकि छोटा छोटा टाइप किया हुआ है। तो अगर राइट आंसर देखा जाए 16 का, तो क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी भारतीय दलित वर्ग। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे, तो पेशे से एक शिक्षक कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी, तो ये स्थापना हुआ था दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, ये तो सभी को लोग पता होना चाहिए। देखिए अगर बात करें इसका आंसर तो हो जाएगा किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर अंधाधुंध गोली की चलने के कारण उन लोग की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, तो आंसर सही करिएगा सभी लोग, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांकीपुर जेल, ठीक है। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 के आंदोलन में कैद किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो आंसर हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करके बताना है स्थल और प्रांत, तो आंसर करिएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी बारदोली आपका गुजरात चला जाएगा, उसके बाद चौरी चौरा कांड आपका चला जाएगा उत्तर प्रदेश, और यरवदा आपका चला जाएगा कहाँ पे, 123 का आंसर देखें सही है, तो यरवदा आपका चला जाएगा महाराष्ट्र में, और नोआखली आपका चला जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 124, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपका 9 अगस्त 1942 में। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी, तो पैरवी किसने नहीं की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे वे कौन थे, तो बात करें तो वे कौन थे, तो स्वामी श्रद्धानंद थे, याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वो कौन था, तो आपके ऑप्शन के सामने दिख रहा होगा वो कौन था,
तो कैसरे हिंद की उपाधि थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन कौन सा हुआ था, अगर आपको पता है तो आंसर करिएगा। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला है कथन ए और कथन कारण आर बताना है। देखिए, कथन ए कहता है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय ने नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया था, और कारण आर कहता है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ए और आर सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? यह भी पता होना चाहिए दूसरा कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? महिला संगठनकर्ता के रूप में कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट यानी 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 ईस्वी में हुआ था एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे है। तो बात करेंगे आंसर इसका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1, 2, 3, यानी तीनों आपका कथन सही है, याद रखिएगा। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग का। 36 का है, तो इसको मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, पढ़िएगा आप सभी लोग वीडियो को रोक के, आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलिएगा, रौलेट एक्ट पारित किया गया था किसके लिए? रौलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारतूली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? अगर PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। ओके, चलिएगा, 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ए और बी, यानी यह आंदोलन इसमें सबसे पहले किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संदर्भ यानी दर्शन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है यह प्रश्न पूछा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक और दो, यानी सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक थे। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे, याद रखिएगा। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो सभी को पता होना चाहिए गोलमेज सम्मेलन 30 से हुआ था स्टार्ट, तो 30, 31, 32, तो याद होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। देखिए 30, 31, 32, यानी तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो तीनों को आप याद रखिएगा।
गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून उल्लंघित किया था, यानी उल्लंघन किया था, किस तारीख को या फिर किस डेट को? तो याद रखेंगे हम, आंसर हो जाएगा आपका 6 अप्रैल 1930। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था? जैसे गोल में सम्मेलन आए तो आप याद रखिएगा 30, 31, 32, तो आपको क्लियर होना चाहिए सभी को। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका B.R. अम्बेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो ये आपका संबंधित है किससे? तो आंसर करिएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये तो रहे थे 21 वर्ष, सभी को पता ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो 1924 में जो ये अधिवेशन हुआ था, ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्ष बनाए गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचार्य ने क्या लिखा हुआ है, दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया, निम्नलिखित में से वो कौन सा प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी संवैधानिक गतिरोध का हल। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो आंसर करेंगे सभी लोग ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। ठीक है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो आंसर सभी लोग सही करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है सभी लोगों को। तो देखते हैं आंसर कौन करता है, तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। ठीक है, 3, 4, 2, 1, तो मिलाते हैं आपका चला जाएगा डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास में, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में, उसके बाद सरोजिनी नायडू कानपुर में, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन आंदोलन ने, यानी आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला, नीचे दिए कूट में सही उत्तर कीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल 3-4, यानी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, ऐसा क्यों, त्यागपत्र क्यों दिया? तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त कथन ABC में कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, कोई कारण नहीं था। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की, ये बताना है। तो आंसर होगा केवल 2 और 3, ऑल इंडिया शेड्यूल कॉस्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रावधान इसलिए किया था कि, आंसर करिएगा सभी लोग, देखते हैं कौन आंसर सही करता है। तो रामजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट का लक्ष्य क्या था? जो रोलेक्ट एक्ट हुआ था उसका लक्ष्य पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका,
बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा क्यों? अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केवल वन, यानी कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग एवं एक संकल्प पारित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चन आपको विजुअल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लोक सुरक्षा विधेयक 1928 का विधेयक करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? तो ये किसने कहा था? तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? करेक्ट आंसर बताइएगा। तो हो जाएंगे आपके एम ए अंसारी। आंसर क्या हो जाएगा? एम ए अंसारी 61 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? करेक्ट आंसर बताइएगा सभी लोग, कोई भी आंसर गलत नहीं करेगा। तो आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? ये तो सभी उम्मीद है आंसर करेंगे कहाँ पर दिया था, तो वाराणसी में। याद रखिए, गड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 164 का बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? बिना टिकट के वो चले गए थे तो उनको टीटी ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पीटरमा रिट्सबर्ग, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सर पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको तीनों याद है तभी आप इसको सही कर पाएंगे, वरना आप कन्फ्यूजन की वजह से गलत कर देंगे। देखिए, तीनों कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एपी अलेक्जेंडर, लेकिन इसमें से ए आपका नहीं था, विलियम वुड, याद रखिए। अगर आप तीनों याद रखेंगे तो आपको आंसर सही बता पाएंगे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो आंसर हो जाएगा आपका जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी देखा जाए तो आपका गांधी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट ही है। तो आंसर हो जाएगा आपका वेब मिलर, याद रखिएगा वेब मिलर। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो 1929 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को एक भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो आंसर कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा आपका 171 का लाहौर। अगला क्वेश्चन है कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? देखिए, वैल्यूम टू का PDF आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए, सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं, आप सभी लोग किसी से पीछे मत रहिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, आप सभी लोग को किसी से पीछे नहीं रहना है, ताबड़तोड़ यहाँ पे कंपटीशन बढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी लोग अगर पीछे रहें, एक भी क्वेश्चन आप पीछे किए तो सोचिए कि आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। तो आप किसी से ना रहिए, PDF डाउनलोड कीजिए, अगर आपके बगल से दुकान से बुक मिल रहा है तो वहाँ से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बस मेरे को ये था कि आप सभी लोग के पास किसी तरह PDF पहुँचाना था, तो अब आपके ऊपर है कि PDF आप लेना चाहते हैं या फिर आप खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो डिटेल दिया गया है बहुत ही ज़्यादा, यानी 100 क्वेश्चन से आप 400 क्वेश्चन बना सकते हैं उस डिटेल से। ठीक है, तो उसको पढ़िए।
फिर देखिए आपका लेवल और भी इंक्रीज होगा। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, रैटक्लिफ। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।